आज की वीडियो में हम जानेंगे केराटिन क्या होता है, क्या केराटिन बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं, कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो केराटिन के रिलेटेड है, केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इसको करना जरूरी है या नहीं और ये होता क्या है। काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था और केराटिन बालों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है आज इस वीडियो में जान लेंगे। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए अगर आप वाकई में फायदा उठाना चाहते हैं केराटिन ट्रीटमेंट से और जानना चाहते हैं कि ये होती कैसी है। तो गाइस, आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से सिखाऊंगी केराटिन कैसे करते हैं, साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप पार्लर से इसे करवाते हैं या घर में करते हैं प्रोडक्ट से तो आपको कितने रुपए की ये पड़ सकती है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं केराटिन क्या होती है। केराटिन एक्चुअली एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिससे आपको बालों में प्रोटीन्स मिलते हैं। अगर आपके बालों में प्रोटीन्स गजा से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके बाल ऐसी कंडीशन में होंगे जैसे रफ हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, बहुत ज्यादा अजीब से हैं, सुलझते नहीं हैं, बहुत ज्यादा खुश और दो मुंह के बाल होते हैं। तो समझ लीजिए उन बालों में प्रोटीन्स नहीं है, आपको केराटिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग पॉलर से करवाते हैं केराटिन, लेकिन पॉलर से करवाने के ऊपर आपको 6,000 से 8,000 रुपए पेड करने पड़ते हैं, कहीं कहीं तो 10,000 रुपए भी पेड करने पड़ते हैं। अगर आप घर में कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो केराटिन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और उसके प्राइस भी 1,000 से अबव ही होते हैं, लेकिन पॉलर से आपके पैसे कम लगते हैं घर में करने पर। लेकिन आज जो तरीका बताऊंगी आपको नेचुरली बालों पे कैसे केराटिन कर सकते हैं, ना आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, ना आपके बाल पतले होंगे और ना ही आपको कोई नुकसान होगा। तो ये केराटिन का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे आपके बालों को प्रोटीन्स मिल जाएगा। सो गाइस, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं केराटिन ट्रीटमेंट के क्या फायदे हैं। पहला फायदा, आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और आपके बालों के अंदर एक वॉल्यूम आ जाएगा। और दूसरी बात ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको लगता है केराटिन ट्रीटमेंट से आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके बालों में हल्का पुल्का कर्व रहता है अगर आपके बाल पहले से स्ट्रेट नहीं है। अगर जिनके बाल स्ट्रेट हैं पहले से, अगर रफ हैं, पतले हैं, तो आप भी ये केराटिन की ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। सो गाइस, कितनी बार करनी है ये नेचुरल ट्रीटमेंट ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आइए जानते हैं कि इस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या इंग्रेडिएंट है नोट कर लीजिए। सबसे पहले लेना है आपने एक बनाना ऑयल, आप कोई भी ले सकते हैं जो आप यूज करते हैं हेयर में, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं। एक एग लेना है आपने मीडियम साइज का जिसके अंदर एग व्हाइट भी होगा और आपने उसके अंदर जर्दी भी लेनी है। कॉर्नस्टार्च लेना है आपने 1 टेबलस्पून, अगर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। योगर्ट लेना है आपने 2 टेबलस्पून और साथ साथ हनी लेना है आपने 1 टेबलस्पून। इन सब चीजों को आपने ब्लेंडर में डालना है और अच्छे से इसे पेस्ट फॉर्म में तैयार कर लेना है। आप इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिएगा, कोई भी गुठली ना रहे, ताकि अच्छे से आपके बालों में वो लग जाए और आपके बालों के अंदर जो है वो गुठली भी ना फील हो और कहीं पे भी ऐसा फील ना हो कि आपके बहुत ज्यादा गुठलियां बालों में हो गई हैं। तो आपने इसे स्ट्रेनर से छान लेना है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। यूज कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपने एक दिन पहले सर वॉश किया है तो ठीक है, अगर आपका सर के अंदर ऑयल वगैरह है तो पहले आप सर वॉश कर लीजिएगा, उसको बिल्कुल ड्राई करने के बाद बालों को फिर आपने इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का तरीका मैं आपको बता दूं, आपने सारे बाल अच्छे से सुलझाने हैं, सुलझाने के बाद आपने थोड़े थोड़े बाल लेने और थोड़े थोड़े बालों में ये एप्लीकेशन करते जाना है। आपने डायरेक्ट एक साथ नहीं लगाना है, एक साथ लगा देंगे तो अच्छे से बालों पे नहीं लगेगा, आपने बिल्कुल जड़ों से लगाना है क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, हमने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्ट जड़ों से नहीं लगा सकते हैं, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो गाइस, आपने कम कम बाल लेते जाने हैं और अच्छे से उस पे लगाते जाना है। उसके बाद जब बाल सारे अच्छे से लग जाएं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, तो फिर आपको जो भी बचे मिक्सचर वो अच्छे से आप ऊपर की तरफ आपने लगा लेना है। किस तरह लगाना है आपको सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो गाइस, इस तरह लगाने के बाद आपने इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा जरूर छोड़ना है। शॉवर लेने से पहले आपने कम से कम 1 से 2 घंटे जो है इसे लगे रहने देना है और उसके बाद आप इसे फोल्ड करके कैचर लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कैप वगैरह है चॉपर का तो वो भी आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं और 2 घंटे के बाद अपने सर को वॉश कर लीजिए, नॉर्मल पानी से वॉश कीजिएगा। उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, पहले जो आप सर वॉश करेंगे पहले डायरेक्ट आपने वाटर से वॉश करना है, उसके बाद आपने उसको शैम्पू करना है सेकेंड टाइम पे, उसी दौरान आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, आप ड्रायर की मदद से, अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो ड्रायर की मदद से बाल को आप सुखा लीजिएगा, अगर जल्दी नहीं है तो आप नेचुरली तौर पर नेचुरली हवा से इसको सूखने दीजिएगा, तो इसके अंदर एक वॉल्यूम आएगा, आपको बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा महसूस होगा। और साथ में जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आप अच्छे से कंघा कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा आपके बालों में सिल्की पन आएगा, रफ पन खत्म हो जाएगा, स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसे वीक में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं, पतले हैं और बहुत ज्यादा छोटे हैं तो आप इसे 2 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल हेल्दी हैं, अच्छे हैं, तो आप इसे 1 बार वीक में जरूर कीजिए। काफी अच्छी ट्रीटमेंट है ये, नेचुरल ट्रीटमेंट को आप महीने में 4 बार भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग के
लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ क्रीम के ऊपर, जिससे बाल जो है वो स्ट्रेट होते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे घर में केराटिन ट्रीटमेंट करनी है। अब मैं आपको बता दूं, पार्लर में इसके प्राइस 8 से 10 हजार रुपए होते हैं। अगर आप केराटिन के लिए कोई क्रीम लेकर आते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, स्मूथिंग के लिए, तो वो भी 1800 से 2000 से 2500 तक आपको मिलेगी और आप वो घर में करेंगे। लेकिन वो केमिकल्स होते हैं आपके हेयर को खराब भी कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए वो ठीक कर देंगे, जब तक आप का एक टाइम पीरियड होगा 1 महीने तक 2 महीने तक, लेकिन उससे जो है केमिकल से आपके बाल पतले भी हो सकते हैं। नेचुरली ट्रीटमेंट नेचुरली होती है, उसे ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।